<laughs> अभिषेक मैं बता देता हूं मुझसे पूछ लिया होता आपने मुनावर अपना माइक जैकेट के ऊपर पहन ले इस वक्त जो मोहल्ले में छह सदस्य मौजूद हैं इनकी ये आदत है कि बाहर से कोई भी मोहल्ले में आए तो उससे ये तरह तरह के सवाल पूछते हैं लेकिन आज इसके उलट होने वाला है आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे देखें कितने जवाब हैं इनके पास चौदह हफ्ते यानी निन्यानवे दिन 2,376 घंटे एक लाख बयालीस हजार पांच सौ साठ मिनट इतना लंबा सफर तय कर आप आज शो के इस मुकाम पे फाइनल वीक में आ खड़े हैं कितना मुश्किल होता है इस मुकाम तक पहुंचना अच्छी तरह समझ सकता हूं मैं सोलह साल का एक्सपीरियंस है मुझे और मैं जानता हूं कि जितना ज्यादा आप इस शो में आगे बढ़ते जाते हैं उतने ही सवाल भी अक्सर आप पर उठाए जाते हैं मैंने अक्सर आप सभी को एक दूसरे पर कई सारे सवाल उठाते देखा है तो सोचने वाली बात है कि आपको इतने दिन तक हर रोज देखने वालों के मन में आपके लिए कितने सवाल होंगे तो आज फाइनल वीक में पहुंचने वाले मेरे छे धुरंधर यानी कि आप छे मोहल्ले वाले इसी सवालों की बारिश का सामना करेंगे मोहल्ले में प्रेस आई है अपने तीखे सवाल लेकर मैं प्रेस का अपने इस मोहल्ले में हार्दिक स्वागत करता हूं एक दूसरे पर सवाल उठा उठाकर अपने विरोधियों को बखूबी जवाब देकर उन्हें पीछे छोड़कर फाइनल वीक में पहुंचने वाले इस सीजन के टॉप सिक्स अब आपके सामने बैठे हैं मैं जानता हूं आपके पास कई सवाल हैं इनके लिए मेरे टॉप सिक्स अब आपके हवाले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं हाय ऑल सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फिनाले वीक में पहुंचने के लिए मेरा सवाल विक्की और अंकिता से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ मैं सोनाली नाइक टी वी से विक्की अंकिता जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है एक सवाल पूछना चाहूँगी क्या है, स्क्रिप्टेड है क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकाल कर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है ताकि फोकस अंकिता पे रहे विक्की जैन तो ऐसे ही ट्रॉफी ऐसे भी ट्रॉफी जीतने से रहे तो आप क्या क्या कहना अभिषेक ने कहा अच्छी चीज बताई सोचता है वो प्लान करता है लेकिन अ, जितना मैं अपने आप को जानती हूँ विकी को जानती हूँ मैं कभी कोई चीज स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती जो फीलिंग्स है जो इमोशंस है बहुत रियल है जो फीलिंग है मैं ऐसी ही हूँ मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं मैं वैसी ही हूँ और मुझे जितना पता है कि मैं जो कर रही हूं वो रियल कर रही हूं so, सो इट्स okay. ओके इनकी मैंने ये, था, था। मैंने ये बोला था मैंने ही बोला था कि ये माइक उतार के तो बात करते तो शायद शायद कल की शाय। जो शायद तो नहीं था तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं कि क्या बात हो रही है तो मैंने ये बोला था कि शायद एक रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता? कभी क्या होता है? बहुत झगड़े हो जाते हैं।, होते हैं क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ इस तरीके से कि हमारे बहुत फाइट्स हुई तो क्या होता है जब माइंड निकाला होता उसमें हम दस बार लड़ लेते हैं तो अभी जैसा भी ये सब यू नो जब खानजादी थी तभी ये खुद भी इतनी खुसुर खुसूर बातें करते करते रहते हमारे रोमांटिक नहीं होते थे लेकिन अफकोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ मैं अपनी लाइफ में नहीं गई हूँ तो यहाँ पर जो आप देख तो तो ये मैं हूं भाई वीकी? जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा <laughs> मैं, मैं सुधार कर रहा हूं अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा So, <laughs> क्या आप कहना चाहिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है जो अभिषेक जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे ये बात बोल के वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे तो उस सवाल को मैं कल खड़ा हो ना करूँ तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में बोला होगा और वैसे इनकी बातों को ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो जो भी ये चीज़ है जो एक लड़ाई जो सामने आई है मैं टू हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयाँ होती हैं और उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज नहीं होती अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार होता है उस रिश्ते में हंड्रेड लड़ाई होती है तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल uh,

जबकि ये हिस्ट्री में हो चुका है गोहर जाकर आई है और जीत चुकी है मैं अपनी वाइफ से और रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश करूँ जी करूंगा आपने कहा राइट तो क्या आप टेलीविजन पर नेशनल टेलीविजन पर ये मान रहे थे कि जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती थी वो आप उन्हें नहीं दे रहे थे अभी तक नहीं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट नेचुरल वे में जब आप चीज़ें कर रहे होते हो तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यानना पड़ेगा कि हम सब इंसान हैं कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे इंसान से ही गलतियां होती हैं और जो इंसान उन गलतियों को रियलाइज़ करके अगर उनको बोलने की एक्सेप्टेंस करने की हिम्मत रखता है तो बदलाव वहीं से शुरू होता है वरना आप कभी बदलेंगे नहीं अगर मैं ये चीज़ को हमेशा ये डालता रहूँ कि नहीं मेरी नहीं उनकी गलती है तो शायद मैं उसको कभी नहीं सुधार पाऊंगा एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियाँ ही सुधारनी है तभी वो गलती इन दी एंड सुधर सकती है तो हम उस पड़ाव में थे जर्नी के जहाँ पे हम इन दी एंड एट द एंड जब फैमिलीज आके चली गई थी तो आ... अगर हम अपने ही बातों को सोचते रहें तो शायद हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हर इंसान अपनी नज़रों में सही ही होता है बट जैसी फैमिलीज आई और उनका एक पर्सपेक्टिव आया भाई का पर्सपेक्टिव यहाँ कंटिन्यूसली रहता है और सारी चीज़ें जब आई तो हमको ये समझ में आया किसी हो सकता है कि आ, विचारों को कभी भी कहना गलत बात नहीं होती बट उनको हम किस तरीके से कह रहे हैं शायद वो कभी और हमारा तरीका गलत हो जाता है उस वजह से एक वो जो उत्तेजित माहौल होता है और दोनों किसी और ट्रैक में चले जाते हैं तो शायद वो बात ही मिस हो जाती है तो उस चक्कर में मैंने उनको ये कहा था कि डेफिनेटली शायद सकता है कि चीजों को हम और थोड़े पोलाइटली करते तो शायद उस तरह का ना दिखाई देता ना हम उस जगह चले जाते जहां हमारे इतने डिफरेंसेस दिखाई देते तो मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली मैं थोड़ा और पोलाइट रह सकता था अपनी अप्रोच में बट जो भी है एक रिश्ता बहुत लंबा होता है गाइस अभी हमारी 2 ही साल हुए शादी हुए और किसको 17 लोग के साथ रहने की आदत होती है कि पति पत्नी और 17 लोगों के साथ रह रहे हैं तो यहां पे कोई भी चीज और इतना शो का प्रेशर अलग रहता है अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाने का प्रेशर इतना रहता है तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह आने की कोई भी तैयारी कभी भी हो सकती है इट इज कंसिडरबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस आई आई वुड से शायद किसी को भी फेस करना पड़े तो उसकी ये जर्नी का पार्ट रहा है बट डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उसमें जो सुधार लाने हो मैं द, जरूर लाऊंगा और जो अभिषेक वाला था तो मैंने सच में वो गौहर वाला देखा नहीं था कि वो एंट्री के बाद आ सकती थी बट मेरी नज़र में ये था कि अगर हम आ, आज हम सबके मां बाप ये शो देखते हैं नो मां बाप को सबसे पहली एक चीज है हमको भी सबनी पहली चीज होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो जो चीज हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी नहीं है कि मुझे नहीं आया, जबकि मेरी डिफिकल्ट की मेरी वाइफ यहाँ पे रही है और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने पचासों बार ऐसी चीजें कही या बोली है उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा बट कई बार टिश्यू नहीं डाला और मैंने इतना ज्यादा इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहां उस स्टेज तक पहुंच गया जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था उसमें शायद में। सवालों में आ जाएगा आपसे मैं अपना हाँ, जवाब दे मतलब रहा हूं। हाँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी नजर में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुँह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियाँ नहीं निकली मैंने कभी हाथ नहीं उठाया तो जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो कोई भी कर सकता है ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज़ आपने बहुत गलत की थी और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती बाकी कोई भी चीज़ आपको मिल सकती है लाइफ में बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी और एक जो